क्या आपने कभी ऐसे स्टंटमैन को देखा है जिसने जमीन से 29 किलोमीटर ऊंचाई पर जाके जंप लगा दी हो, वो भी बिना पैराशूट के, और इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद भी वो स्टंटमैन जिंदा बच गया। और क्या आपने कभी रियल लाइफ स्पाइडरमैन को देखा है जो कि बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे स्टंट्स और स्टंटमैन के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टंट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है ल्यूक एकिंस। 19 नवंबर 1973 को अमेरिका के टेक्सास में जन्मे ल्यूक एकिंस एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर, बेस जंपर, पायलट और एक एरियल फोटोग्राफर है। अब इनके बारे में इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपने इस बात का तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये कितने ज्यादा जुनूनी व्यक्ति होंगे, और आपका अंदाजा बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ल्यूक वास्तव में ही खतरों से खेलने के शौकीन हैं। और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने 30 जुलाई 2016 को एक ऐसा खतरनाक स्टंट किया जिसके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 30 जुलाई 2016 को ल्यूक ने 7600 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर छलांग लगा दी, वो भी बिना किसी पैराशूट के। इतनी ऊंचाई से बिना किसी पैराशूट के कूदना खतरे से खाली नहीं था, इनकी एक छोटी सी गलती भी इनकी मौत का कारण बन सकती थी। जंप करने के बाद ही इनकी स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी, लेकिन ल्यूक ने फिर भी इस स्टंट को सफलतापूर्वक करके एक नया इतिहास रच दिया और इतनी ऊंचाई से बिना पैराशूट के सफलतापूर्वक लैंड करने वाले पहले इंसान बने। इनके इस कारनामे को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में सिविल इंजीनियर जॉन क्रूपसैंग का भी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जॉन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ल्यूक को सेफली लैंड कराने के लिए 30x30 का एक जाल डिजाइन किया था। नंबर 9 पर है जेब कार्लिस। ल्यूक की तरह जेब कार्लिस भी एक अमेरिकन बेस जंपर और स्काई डाइवर हैं, लेकिन बेस जंपिंग के दौरान 2012 में जेब के साथ एक हादसा हो गया। 2012 में जब वो एक दिन बेस जंपिंग कर रहे थे तो उस समय उनका पैराशूट खुला ही नहीं और वो सीधा पहाड़ से जाकर टकराए, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर टूट गए और उन्हें कई सारी सीरियस इंजरीज भी हुई। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इसमें जेब की जान भी जा सकती थी। इसके बाद एक साल तक उन्होंने अमेरिका में ही रहकर अपना इलाज कराया, लेकिन ये चोटें भी स्काई डाइविंग और बेस जंपिंग के प्रति इनके जुनून को कम नहीं कर पाई। और इस घटना के एक साल बाद ही 2013 में वो चाइना के शंघाई में मौजूद 875 मीटर ऊंचे लैंगसेंग माउंटेन पर बेस जंपिंग के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने खतरा भी बड़ा चुना था, क्योंकि इस बार उन्हें दो पहाड़ों के बीच बनी छोटी सी दराज से होकर गुजरना था, जो कि ऊपर से तो 60 फीट चौड़ी थी लेकिन बॉटम से 15 फीट ही चौड़ी थी, जिसमें से होकर जेब को लैंड करना था। लेकिन इस बार अगर इनसे कोई भी चूक होती तो इसका परिणाम सीधा मौत था, लेकिन इस बार लक ने उनका साथ दिया और जैब बिना किसी परेशानी के इस छोटे से गैप से निकल गए। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद ऐसी वापसी करना उनके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। नंबर 8 पर है ली लॉन्ग। अगर आप कार के दीवाने हैं और आपको कार स्टंट्स देखने में मजा आता है तो ली लॉन्ग के बारे में जानने के बाद आपका इंटरेस्ट इसमें और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को चार पहियों पर भी गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, वहीं चाइना में रहने वाले ली लॉन्ग ने दो पहियों पर गाड़ी चलाकर सबको चौंका दिया। और इसकी सबसे खास बात थी कि जिस ट्रैक पर इन्होंने ये कारनामा किया वो 100 मीटर लंबा और केवल 80 सेंटीमीटर चौड़ा था। ये जो आप अभी वीडियो में दोनों लाइनें देख रहे हो, बस इतना ही चौड़ा रोड था। जिस जगह पर हम ठीक से साइकिल तक नहीं चला सकते, उस जगह पर ली लॉन्ग ने दो पहियों पर कार चलाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इनके इस कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। नंबर 7 पर है सुपरमैन जॉन एवेंस। क्या आप एक बोतल पानी अपने सर पर बिना हाथों की मदद के बैलेंस कर सकते हैं? तो ये स्टंट देखने के बाद आप चौंकने वाले हैं। जहां हम एप्पल भी अपने सर पर रख के बैलेंस नहीं कर पाते हैं, वहीं जॉन इवेंस इतने कमाल के व्यक्ति हैं कि वो पूरी की पूरी कार, जिसका वजन 10-15 किलो नहीं बल्कि पूरे 150.6 किलोग्राम है, वो इस कार को अपने सर पर 33 सेकंड के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इनके इसी स्टंट के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। नंबर 6 पर है हर्बर्ट निच। आप पानी के नीचे अपनी सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट तक? लेकिन हर्बर्ट निच अपने इस जुनून को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। 6 जून 2012 को की गई अंडरवाटर डाइव में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ज्यादा समय तक पानी के नीचे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर्बर्ट 10 मिनट तक पानी में नीचे रहे और इस दौरान वो कभी 831 फीट की गहराई में थे, लेकिन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के चक्कर में इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। 10 मिनट तक पानी में रहने के बाद उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगे। लेकिन वो इतनी गहराई से बाहर निकलने के लिए लगातार तैरते रहे। जब वो पानी के सिर्फ 10 मीटर अंदर थे तभी वो बेहोश हो गए, लेकिन उनके साथ मौजूद टीम ने जल्दी से उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, तब जाकर वो बिल्कुल सही हुए। नंबर 5 पर है रुअन लियांगमिंग। जहां हमें अपने आसपास एक छोटी सी मधुमक्खी को देखते ही डर लगने लगता है, वहीं चाइना में रहने वाले रुअन लियांगमिंग के लिए ये मधुमक्खियों के साथ रहना एक आम बात है। और अपनी इस आर्ट से उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। 2014 में अपने इस जुनून को चरम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो कितनी देर तक मधुमक्खियों से घिरे रह सकते हैं। इसके लिए उनके शरीर पर शहद लगा दिया गया और 1,00,000 मधुमक्खियों से उनके शरीर को कवर कर दिया गया। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये 53 मिनट और 34 सेकंड तक इन मधुमक्खियों से ढके रहे और इनका फेस तक मधुमक्खियों से कवर्ड था। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक और डरावना होगा। इसे सफलतापूर्वक करके इन्होंने एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। नंबर 4 पर है द आइसमैन विम हॉफ। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो कि ठंड में गर्म पानी से भी नहाने से डरते हैं, और गलती से अगर कोई उन्हें ठंडे पानी से नहाने के लिए बोल भी दे तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं मानो उनसे उनकी जिंदगी मांग ली हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विम हॉफ, जो कि दुनिया में आइसमैन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ऐसे व्यक्ति हैं जो बर्फ पर बैठ के योगा करते हैं और बर्फ पर दौड़ते हैं, तो ये देख के आपको ठंड में नहाने की हिम्मत तो मिल ही जाएगी। इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे एक उंगली पर 2000 मीटर ऑल्टीट्यूड पर लटकना, बर्फ से भरे ग्लास कंटेनर में काफी देर तक यूं ही खड़े रहना, जहां पर खड़े होने से नॉर्मल लोगों के तो हाथ पैर ही जम जाएंगे। नंबर 3 पर है डेयर डेविल्स फर्स्ट हाई वायर वॉक। क्या आपने कभी दो पहाड़ों के बीच बंधे एक पतले से वायर पर चलते हुए किसी आदमी को देखा है? नहीं देखा है तो अब देख लो। इस जगह का नाम है ओल्ड मैन ऑफ होय, और यहाँ पर कोई एक दो स्टंट करने वाले नहीं आते हैं, बल्कि बहुत सारे स्टंट मैन आते हैं, लेकिन कोई भी इस जगह पर ऐसा स्टंट नहीं कर पाया। लेकिन जर्मनी के स्लैक लाइनर एलेक्स सुल्ज ने ये कर दिखाया। ये जगह इतनी ऊंचाई पर मौजूद है जहाँ से अगर कोई भी नीचे गिरा तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि नीचे कोई पानी नहीं है बल्कि पत्थरों की एक खाई है। ये स्टंट कितना ज्यादा खतरनाक है वो आपको वीडियो देख के पता चल ही गया होगा। नंबर 2 पर है एलन रॉबर्ट। आप में से लगभग सभी लोगों ने स्पाइडरमैन की मूवी तो देखी ही होगी। अगर मूवी नहीं देखी है तो स्पाइडरमैन का नाम तो जरूर ही सुना होगा, जो कि अपने हाथों से ही बिल्डिंग्स पर चढ़ जाता है। वैसा ही एक स्पाइडरमैन रियल लाइफ में भी है, एलन रॉबर्ट। ये दुनिया भर की कई ऊंची बिल्डिंग्स पर बिना किसी सपोर्ट और बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के सिर्फ अपने हाथों के सहारे ही बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं, और कई बार तो ये अपने जुनून की वजह से जेल भी जा चुके हैं, क्योंकि कभी कभी तो ये किसी बिल्डिंग पर चढ़ने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट या बिल्डिंग के ओनर से परमिशन ही नहीं लेते थे। इनका सबसे बड़ा स्टंट दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर चढ़ने वाला था, जिस पर ये बिना किसी सेफ्टी के चढ़ते गए और इस पर सबसे ऊंचाई तक चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इस बार इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली थी। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमे नंबर 1 पर है फेलिक्स वमगार्डनर। 20 अप्रैल 1969 ऑस्ट्रेलिया में जन्मे फेलिक्स एक स्काई डाइवर और डेयर डेविल और बेस जंपर है। 14 अक्टूबर 2012 को इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जिसके बारे में जानने के बाद आप इस पर यकीन ही नहीं कर पाओगे। फेलिक्स ने रेडबुल के एक इवेंट में स्ट्रेटोफेयर यानी कि समताप मंडल से जंप किया। ये इनकी लाइफ का सबसे खतरनाक स्टंट था, क्योंकि स्ट्रेटोफेयर वो लेयर है जहां पर हवा का दबाव बिल्कुल ही कम होता है और लगभग वैक्यूम या निर्वात जैसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में बिना ऑक्सीजन सप्लाई के सांस लेना सबसे बड़ी चुनौती थी। फेलिक्स एक हीलियम बलून के माध्यम से इस जगह पर पहुंचे और इन्हें यहां तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा। इसके बाद इन्होंने 29 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती पर जंप लगा दी। आपको बता दूं कि इनके कूदने के 30 सेकंड बाद ही इनके गिरने की स्पीड लगभग 1137 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई थी, और इतनी रफ्तार के साथ नीचे गिरने की गति से उन्होंने ध्वनि की गति से भी तेज चलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जंप करने के बाद धरती पर पहुंचने में इन्हें सिर्फ 9 मिनट 3 सेकंड का ही समय लगा, और न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में लैंड करने के बाद ही इन्होंने एक इतिहास रच दिया, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। तो गाइज आपको इन सभी खतरनाक स्टंट्स में से सबसे खतरनाक स्टंट कौन सा लगा, और क्या आप इन सभी स्टंट्स में से किसी भी एक स्टंट को कर सकते हैं, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया की ये 10 खतरनाक स्टंट्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।